हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो लीगल वैकेंसी निकली है एमपी हाई कोर्ट में, फ्रेशर्स के लिए निकली है और इसमें केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो आपको सीधे फॉर्म भरना है और इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके बीच में कोई प्रोसीजर नहीं रहेगी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें केवल आपको एक बैचलर्स डिग्री लगेगी, और अगर वो 5 ईयर्स की डिग्री है तो वो भी चलेगी, और 3 ईयर्स की डिग्री है तो वो भी चलेगी। 5 ईयर्स की डिग्री वाले स्टूडेंट्स में अगर कोई स्टूडेंट्स फाइनल ईयर है, या 3 ईयर्स स्टूडेंट 3 ईयर्स कोर्स वाले में भी कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। बस ये है कि इंटरव्यू के टाइम तक उसका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बस वही है कि उनका रिजल्ट उस टाइम तक आ जाना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अब 55 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये सब रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। इसकी ओपनिंग डेट 7 तारीख है, जो कि अभी खुल चुकी है। तो 7 तारीख को 12 बजे से, दिन में 12 बजे से इसकी क्लोजिंग डेट है 23 तारीख को दिन में 12 बजे तक। तो इतने कम टाइम फ्रेम में आपको इसका फॉर्म भरना है। इसकी सैलरी मैं बता दूं, आपको ऑनोरियम मिलेगा 20,000 रुपीज़ पर मंथ का, और बाकी एमपी हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से इसके रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर रहेगा, तो वो हम इस एडवर्टाइजमेंट में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, लॉ डिग्री होने चाहिए, और जो कैंडिडेट्स 5th ईयर के हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, जिस दिन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उस दिन तक। उससे पहले अगर आपने 35 ईयर्स हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर आपको एमएस ऑफिस वगैरह चलाना जरूरी आता है तो ये आपका आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होने चाहिए, वरना आपको यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फिर वर्किंग आवर्स जो हैं वो 10 to 6 ही हैं, तो उसमें बीच में आपको एक बार रिसेस का टाइम भी मिलेगा। कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, बट अब आपको मैं प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, लीगल असिस्टेंट, लॉ क्लर्क असिस्टेंट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर ये सारा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन मिलेगा। तो आप पहले एप्लीकेशन में जाकर, पहले रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। एडमिट कार्ड्स हैं वो 7 दिन पहले आ जाएंगे एग्जाम इंटरव्यू के पहले, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, तो 7 दिन पहले आ जाएंगे। अब रिटर्न इंटरव्यू में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए क्वालिफाई होने के लिए एज अ रिसर्च असिस्टेंट। तो बस इतना सा क्राइटेरिया है, बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है। केवल 50% मार्क्स भी अगर आपने इस इंटरव्यू में स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रेम्यूनरेशन जैसे कि मैंने बताया 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू गाइज।